जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं सखर से। सखर दारुल अमान या फिर अकूबत खाना। सिंध के शहर सखर के दारुल अमान में खवातीन महफूज होने की बजाय मजीद मुश्किलात से दो चार हो चुकी हैं। तफसीलात के मुताबिक सखर के दारुल अमान में खवातीन को अमान नसीब ना हुआ। इंचार्ज की तरफ से सहूलतों की फराहमी की बजाय नारवा रवैये की शिकायत सामने आ रही है। दारुल अमान सखर में गुज़श्ता 3 साल से कोई भी खातून डिप्टी डायरेक्टर नहीं रखी गई। समाज की सितम ज़रीफ़ी की शिकार खवातीन के लिए बनाए गए दारुल अमान में पनाह लेने वाली खवातीन का सब्र भी अब जवाब दे गया है। घरेलू तशद्दुद और घरेलू नाचाकी समेत गुमराह होकर यहां पहुंचने वाली खवातीन के मुताबिक दारुल अमान सखर के इंचार्ज इन्हें जिंसी तौर पर हरासा कर रहे हैं। खवातीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंचार्ज खवातीन से गालम गलोच करते हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और खवातीन के साथ इनका रवैया गैर इखलाकी है। खवातीन ने शिकायत की है कि दारुल अमान में बुनियादी सहूलतें भी दस्तियाब नहीं, जैसा कि अद्वियात, मुनासिब खुराक, साफ पानी और कपड़े कुछ भी मुहैया नहीं किया जाता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खवातीन की शिकायत पर इंतजामिया अपना मौकफ देने से ग्रेजा है। खवातीन का कहना है कि दारुल अमान के क्याम का मकसद खवातीन को महफूज पनाह देना है, न कि इनकी तजलील करना। दारुल अमान सखर में मौजूद खवातीन आला अदलिया से तहफ्फुज़ और इंसाफ की अपील कर रही हैं।